तो गाइस देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक चेकआउट यूज करेंगे स्ट्राइप का ही। ऑलरेडी जो चेकआउट होता है काफी ब्यूटीफुल होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट सॉरी चेकआउट करेंगे, एंड देन जो चेकआउट होगा वो स्ट्राइप का खुद बन के आएगा, जिसमें यूजर जो है अपना कार्ड डिटेल्स डालेगा, एंड देन हम तब वहाँ से आगे प्रोसेस करेंगे। और 3D सिक्योर रहेगा आपका। और जैसा कि आपने जानते हैं, ये हमारी वेबसाइट है cybercollege.info, जिसपे मैंने स्ट्राइप 3D पेमेंट गेटवे ऑलरेडी बताया हुआ है, और जिसके वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आई बटन पर भी मिल जाएंगे कि इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। एंड देन आज मैं बात करने वाला हूँ, जो कि हमारा हटके है कि हम एक प्रोडक्ट का ऐड करेंगे, जो सॉरी चेकआउट करेंगे, एंड देन वो जैसे ही चेकआउट होगा तो स्ट्राइप का खुद का एक चेकआउट बनकर आएगा, आपको बनाने की चेकआउट की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये हमारी पोस्ट है जो कि आपको दिखाई दे रही है, चेकआउट विद स्ट्राइप 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन लारावेल, ठीक है। तो देखिए, चेकआउट के साथ हम एक स्ट्राइप 3D भी देखने वाले हैं, तो काफी बेस्ट रहेगा ये ट्यूटोरियल। और प्लीज फोकस करिएगा इस ट्यूटोरियल पर, एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल क्यों ना हो तब भी आप इसे फोकस करिएगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो हम एक इंस्टॉल करेंगे लारावेल की ऐप, ठीक है। तो मैं अपने कोड एडिटर में हूँ फिलहाल में। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने जैम्प के अंदर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ htdocs, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे जो है अपना लारावेल का एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसमें लारावेल न्यू स्ट्राइप, यहाँ पे जैसे मैंने इसमें भी नाम दिया हुआ है, आपको अगर आप सेम चाहते हैं तो नाम रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी सेम रख लेता हूँ, ठीक है, स्ट्राइप 3D चेकआउट, ठीक है। जैसे कि पता चल रहा है, अगर आपके पास कई सारे मल्टीप्लीकेशन स्ट्राइप बना लिए तो आप जो है स्ट्राइप रख लें, फिर 3D रख लें, फिर चेकआउट रख लें, जिससे पता चल रहा है कि स्ट्राइप भी है इसमें, 3D भी है और चेकआउट भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जैसे डाउनलोड होता है मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं गया CD स्ट्राइप 3D चेकआउट के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को देखिए सेकंड स्टेप जरूरी है, क्योंकि स्ट्राइप को यूज करना है तो मुझे स्ट्राइप का कंपोजर भी लाइब्रेरीज भी यूज करनी होंगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ये कमांड कॉपी करता हूँ। देखिए, मैंने जो ये यहाँ पे वेबसाइट पर कोड दिया है वो मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करवा रखा है, ये मैंने ही यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर डाला है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल भी बिना स्किप करे देखिएगा। मैं अभी आपको कोड समझाऊंगा, अभी कैसे यहाँ पे कोड वर्क कर रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये जो है यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट, तो मैं जब तक के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना जो फोल्डर है वो यहाँ पे ले कर आता हूँ अपने कोड एडिटर में, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, मेरा आएगा स्ट्राइप, ये आ गया मेरा स्ट्राइप 3D चेकआउट, एंड देन मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, पूरा फोल्डर, जिससे कि मैं यहाँ पे इजीली एडिट कर पाऊंगा, ठीक है। पहले मैं जाऊँगा राउट्स फाइल में, तो हम पहले राउट्स वगैरह बनाएंगे। तो जो है मैंने यहाँ पे ज्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी कोड है और आप भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने लगा तो काफी टाइम लगेगा और आप बोलोगे कि यार बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, अभी एक मैं कंट्रोलर और बनाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कंट्रोलर यूज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं लारावेल 8 में ये यूज होता है। यहाँ पे अगर आप लारावेल 8 से पहले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पहले कंट्रोलर और बना लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन, सॉरी मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर बनाऊंगा मैं, स्ट्राइप कंट्रोलर, ठीक है। देन जैसे ही स्ट्राइप कंट्रोलर अगर आपका बन जाता है, तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही बनता है ना, तो पहले आप क्या करें, अपने प्रोजेक्ट को एक बार ऑप्टिमाइज जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आपके में कोई भी कैसे वगैरह ना रहे। एंड देन अब आप अपने जो सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, PHP आर्टिजन सर्व, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं रन हो गया।
तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंट्रोलर है, मेरा कंट्रोलर बना है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, स्ट्राइप कंट्रोलर, ठीक है ये रहा। अब मैं गया अपने, ये जो मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, हमने चौथा स्टेप कंप्लीट कर लिया, क्रिएट कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन अब हमें जो है ये वाला कोड यहाँ पे जो है पेस्ट करना होगा अपने कंट्रोलर में, ठीक है। तो गाइज इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो, ठीक है। देन मैं यहाँ पे गया एंड देन मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया डायरेक्ट, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी देखिए मैं कोड को अभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल में अभी मैं जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, समझिएगा ठीक है बात को अभी। एंड देन मैं अब यहाँ पे 3 ब्लेड फाइल बनाऊंगा। पहली होगी हमारी प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। हालांकि आप एक बढ़िया सी सुंदर सी फाइल बना सकते हैं, फिलहाल में मैं अभी आपको दिखाई रहा हूँ बस ओनली। तो मैं गया व्यूज में एंड देन मैंने यहाँ पे न्यू फाइल बनाई, इसका मैं नेम रख लेता हूँ प्रोडक्ट, जैसा कि अभी वहाँ पे देखा आपने, प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। एंड देन मैं एक और फाइल यहाँ पे बनाऊंगा, सक्सेस सक्सेस डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। एंड देन मैं एक और फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, कैंसल डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो मेरी तीनों फाइल रनिंग पे चल रही है, अभी ये बन रही है, ठीक है, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है कॉल हो रही है, कौन सी वाली फाइल देख पा रहे हैं, वेलकम कॉल हो रही है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा वेब डॉट राउट को, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने यहाँ पे सीधे वेलकम को कॉल कराया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे हम प्रोडक्ट नाम की फाइल को कॉल कराएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट नाम की फाइल कॉल होगी जब आपका स्लैश होगा, ठीक है, मतलब जब स्टार्टिंग होगी आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने प्रोडक्ट को रन करता हूँ, 127.0. पोर्ट नंबर जो है, तो जैसे मैं रन करूंगा तो अब जो है मेरी प्रोडक्ट वाली फाइल जो है यहाँ पे रन होगी। अभी फिलहाल में नहीं हुई है क्योंकि अभी अभी आप सोचोगे क्यों नहीं रन हुई है, ठीक है। हालांकि मैंने पाथ यहाँ पे दिया हुआ है वेब डॉट PHP में, वो क्यों नहीं रन हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और इसको कमांड प्रॉम्प्ट को अभी कंट्रोल सी कर देना है, और अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन अगेन टाइप करेंगे आप PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। एंड देन आप टाइप करेंगे, आप देखिए अब आपका चल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट वाली फाइल चल गई है, ठीक है आपकी ये रही। तो अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब हमें से में फाइल में कोड रखना है, ठीक है। तो फाइल में कोड रखना है आपको, कंट्रोलर बन गया हमारा सक्सेसफुली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आना है आपको, तो आपको जो है अभी हमने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे ब्लेड फाइल बनाई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरी HTML को, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब बाकी के दोनों ट्यूटोरियल्स जो थे मेरे, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी HTML थी, ठीक है। तो मैं इसे सही तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, अभी कॉपी नहीं हो रही है। तो कॉपी की मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा अपने लोकल लिंक पे आ करके, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, अगर यहाँ पे URL चल रहा है, देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका जो है सूरज आ चुका है, हमारा एक प्रोडक्ट है इसमें स्पोर्ट्स शूज जो कि मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। मैं अभी आपको कोड बताऊंगा, प्लीज अभी आप सबर कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। एंड देन मैं कैंसिल में क्या करूंगा, एक हेडिंग लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ से आप देखिए कोड में भी सिंपल मैंने एक हेडिंग ही पेस्ट कराई है, ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट करा सकते हैं या तो डायरेक्टली सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल करा सकते हैं, ठीक है। एंड देन कैंसिल पे आप क्या कराएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल कैंसल, ठीक है। मैं वहां से ये पेस्ट नहीं किया, ठीक है। मैं कैंसिल वाली फाइल को अब क्लोज कर देता हूँ और सक्सेस वाली फाइल को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और हमारी अब ये जो फाइल रह जाती है, अब ये जो वेब डॉट PHP प्रोडक्ट एंड स्ट्राइप, ये समझने वाली बात है अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं कोड को आपको समझा रहा हूँ, हमने यहाँ पे कंट्रोलर को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम का एक जो व्यू है वो मैंने रिटर्न कराया। अब व्यू में हम गए तो यहाँ पे क्या क्या है, तो हमारी एक JS कॉल हो रही है जिसका आपको यूज करना ही करना है, अगर आप यहाँ पे वर्जन 2 या और कोई वर्जन यूज करोगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है यहाँ पे। एंड देन मैंने टाइटल तो बाय प्रोडक्ट रख ही रखा है, एक थोड़ी बहुत यहाँ पे CSS नहीं लगाई है, ओनली क्लासेस वगैरह यूज कर ली है।
ये जो है मैंने इमेज का यूआरएल एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने उठा लिया है, डायरेक्टली वहां से लिंक ले लिया। एंड देन ब्रेथ मैंने दे दिया 300। एंड देन स्पोर्ट शूज रख दिया, एक स्टैटिक रखा है, अभी ये सारा स्टैटिक है, आप इसे मतलब कर सकते हैं अपने हिसाब से डायनेमिक, ठीक है, वो मैं जानता हूँ आप कर लोगे, ठीक है। $20 अभी मैंने कस्टमली दिखा दिया है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक न्यू फॉर्म बनाया है जिसमें यूजर एंटर करेगा, एंड देन इस फॉर्म पे मतलब यहाँ पे आकर के कंट्रोलर में आकर के वो हम उसे करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल फॉर्म बनाया है जिसका एक्शन मैंने स्लैश पर ही रखा है, मतलब यहीं पर ही रखा है मैंने डायरेक्ट, अगर यहीं पे पोस्ट मतलब यहीं पे इसे सबमिट करता तो यहीं से पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक्शन पे क्या करा है, स्ट्राइप कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल कराया, तो हम चल दिए अब स्ट्राइप कंट्रोलर पे, जिसमें मैंने यूज किया है स्ट्राइप क्लास, एंड देन सेशन भी यूज किया है। आप चाहें तो सेशन को हटा सकते हैं, मैंने बेसिकली यहाँ पे सेशन को ऑलरेडी यूज तो नहीं किया पर एक बार लगा रखा है, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ पे हमने स्ट्राइप क्लास को यूज किया है, तो जिसमें हमें आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पेस्ट यू सीक्रेट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, योर सीक्रेट की हेयर, ठीक है। तो आपको सीक्रेट की कहाँ पे मिलेगी, अगर आप देखिए इस लिंक पर जाएंगे डैशबोर्ड डॉट स्ट्राइप डॉट कॉम टेस्ट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। इस पर आने के बाद आप जब रजिस्टर कर लोगे तो आपको की बनाने मतलब यहाँ पे एपीआई की बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ, मेरी जो एपीआई की है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा, तो ये वाली सीक्रेट की है जो कि मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसे डायरेक्टली। तो एक होती है पब्लिशेबल की, जो कि आपको मैंने दो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं तो उनमें मिलेगी। यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, @ ठीक है, शायद गलत है ये मेरा पासवर्ड, आई थिंक चेक कर लेता हूँ एक बार, आई थिंक गलत ही होगा, मुझे अगेन टाइप करना होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड अपना, तो कन्फ्यूजन ना होगा, आई थिंक चल जाए। एक मिनट मैं आपकी बार सही से डालता हूँ, अब चल जाएगा। जैसे ही देखिए आपसे भी ऐसे ही लॉगिन वगैरह मांगेगा, आप भी रजिस्टर एंड लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे मेरा आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप यहाँ पे पेस्ट करें, और देखिए पहले जो मैंने आपको दो ट्यूटोरियल बताए उनमें क्या है, वहां पे आपको ये भी सीक्रेट की भी डालनी होती है, पब्लिशेबल की भी डालनी होती है, ठीक है। पर इसमें कुछ नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप करूंगा। तो यहाँ पे योर डोमेन में आपको अपना लिंक पास कर देना, अगर देखिए आप ऑनलाइन कोई अभी होस्टिंग पर वेबसाइट को यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल गेट करके डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने वैसे ही डाल दिया लोकली का, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, देखिए मैंने ये यहाँ पे क्यों पास किया, देखिए जब भी हमारा चेकआउट पे जाएगा तो वो वहां से रिक्वेस्ट मतलब यूआरएल में ही भेजेगा हमारा डेटा, कि अगर आपका सक्सेसफुल हुआ तो इस लिंक पर भेजेगा, अन्यथा आपके दूसरे लिंक पर भेजेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि उसका पेरेंट डोमेन आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। एंड देन हमने क्या करा है, कार्ड से एक्सेप्ट करा रहे हैं, ठीक है। करेंसी चाहिए हमारी यूएसडी में, प्रोडक्ट डेटा में आप कुछ भी भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह आगे बहुत कुछ होगा। तो फिलहाल में हमने स्टैटिक डेटा भेजा हुआ है ब्लू शूज नेम से, ठीक है। यूनिट अमाउंट हमने इतना दिया है, पर इतना मतलब अभी क्या जाएगा, जितना आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 की जगह ये जाएगा 30, 30 जाएगा, क्योंकि ना अभी हमने यहाँ पे दिया हुआ है 3000, 3000 को अगर यूएसडी में अगर आप देखोगे तो ये बनता है $30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि समझ में आ जाए, ठीक है। वरना आप ये सोचोगे यहाँ 20 लिखा हुआ है, वहाँ 30 है क्यों आ रहा है, ठीक है। यूनिट अमाउंट यहाँ पे $30 जाने वाला है, अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 करोगे तो $20 चला जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी 1 रखी है मैंने, और योर डोमेन चले जब वहां से जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके डोमेन के साथ सक्सेस मैसेज आएगा, मतलब सक्सेस पर आपका यूआरएल जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल हो जाती है पेमेंट तो आपके कैंसिल पर जाएगा, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे दो व्यू और बनवाए हैं, कैंसिल और सक्सेस, ठीक है। सक्सेस में आपको ये मैसेज दिखाया है, कैंसिल में आपने ये मैसेज दिखाया है।
एंड देन जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा जो है सब कुछ चलेगा, सेशन हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा टाइम आ चुका है इसे चेक करने का, तो सभी फाइल्स को हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से सेव कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे अब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे एरर आ जाती है, मतलब एरर नहीं, मतलब हमारे जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होते हैं, तो इसलिए कैसे वगैरह मैं क्लियर करके रखता हूँ जैसे कि कोई दिक्कत ना आए हमें। तो देख सकते हैं पेज रिफ्रेश हो गया है और मैं यहाँ से $30 का चेकआउट करने वाला हूँ। तो ये स्ट्राइप के चेकआउट पर हमें रिडायरेक्ट करने वाला है, देखिएगा कितना ब्यूटीफुल आने वाला है। तो देख सकते हैं स्ट्राइप चेकआउट आ चुका है ऊपर, और देखिए जो मेरे अकाउंट में जो नेम है वो आ रहा है यहाँ पे। देखिए इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप ना अपने इस अकाउंट को एक्टिवेट जरूर कर लें, वरना आपका जो है ये चलने नहीं वाला। और आप एक्टिवेट जरूर कर लीजिएगा, मतलब फुलफिल तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए $30 आ रहा है आपका। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल वगैरह डाल सकते हैं, लाइक deepak@gmail.com। आप जो है जो क्या बोलते हैं कार्ड जो यूज करोगे वो आप 3D सिक्योर कोई सा भी यूज कर सकते हो। 3D सिक्योर अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे टाइप करें स्ट्राइप 3D सिक्योर टेस्ट कार्ड, एंड देन आप जाएंगे पहली साइट को ही आप ओपन कर लीजिएगा। एंड देन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको एक कार्ड से मन नहीं भर रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कई सारे तरीके के कार्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, आपको दिख जाएगा 3D सिक्योर टेस्ट कार्ड। तो आप यहाँ से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेकंड वाला यूज कर लिया फिलहाल में आपको दिखाने के लिए। एंड देन यहाँ पे मंथ प्रोवाइड करते हैं 11, जो करेंट से ज्यादा प्रोवाइड करें 20, 1, 2, 3, ठीक है। नेम ऑन कार्ड लाइक मैं संदीप ही रख देता हूँ फिलहाल में, इंडिया नहीं रखें क्योंकि आपने जो है USD सिलेक्ट कर रखा है अमाउंट, तो USD यहाँ पे नहीं चलेगा आपके इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक फेक एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे टाइप करें यूनाइटेड स्टेट फेक एड्रेस, तो यहाँ पे आपको कई तरह के एड्रेस मिल जाते हैं फेक। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एड्रेस पास कर देता हूँ, लाइक उसका जिप कोड ये रहा, और जिप कोड में मैंने यहाँ पे पास कर दिया ये। और सिटी वगैरह भी आप कुछ भी रख सकते हैं, और ना भी रखेंगे तो फिर दिक्कत देगा। तो यहाँ पे लाइक गोल्डाना, ये क्या है गोल्डोना सिटी रख देते हैं हम यहाँ पे, और एड्रेस में XYZ कुछ भी पास कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पे करूँगा $30, तो नो थैंक्स कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा गाइज अब आपका स्ट्राइप 3D यहाँ पे चल चुका है, देखिए परफेक्टली सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी ये आपके नेट पर डिपेंड कर रहा है, देख सकते हैं नीचे वेटिंग फोर चल रहा है, देखिए आ चुका है, देख लिए। तो $30 आपके उसमें से ले रहा है, ठीक है, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और फेल्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा। तो देख सकते हैं गाइज हमारा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, देखिए चेक का निशान आ चुका है नीचे बटन पर, और ये देखिए पेमेंट हैज बिन सक्सेसफुली पर हमारा जो लिंक है सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है धीरे धीरे सभी के सॉल्यूशन आने वाले हैं, आप हमारे प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, कोड लें, मैं इस कोड को अपडेट कर देता हूँ तुरंत ही, वीडियो अपडेट नहीं होगी जब तक पहले मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो ले सकते हैं आप इसको कोड।